तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज ये वीडियो हम लोग का एक जाने माने शेयर के बारे में होने वाली है। उसका नाम है मनापुरम। हाल ही में कुछ दिन पहले इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। डिविडेंड मैंने बताया भी था कौन सी डेट पे आने वाला है, उसके ऊपर भी वीडियो आई थी। माना कि ज्यादा अमाउंट में डिविडेंड नहीं था, अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 0.75 पैसे था, बट डिविडेंड टू डिविडेंड होता है। जिन लोग के पास बड़ी क्वांटिटी में शेयर होंगे उनको अच्छे खासा अमाउंट डिविडेंड मिल चुका होगा। ठीक, तो बेसिकली बात करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के दिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग लेवल्स और टारगेट्स क्या रख सकते हैं हम लोग मनापुरम में। लास्ट टाइम लोगों ने जब डिस्कशन करा था तो अराउंड 125 रुपीज के आसपास का डिस्कशन करा था। पुरानी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, जिन लोग को देखनी है वहां पे जाके देख सकते हैं। अब करेंटली बात करते हैं तो करेंटली ये 144 रुपीज के प्राइस पे चल रहा है। ठीक, तो चलिए जानते हैं आगे 144 से हम लोग को कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस शेयर से, और क्या ये हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और वेट करना चाहिए जिन्होंने पहले से बाय करके रखा है। बट अगर आपने बाय करके नहीं रखा है, आप बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो ही करिएगा, वरना शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो प्राइस पहले से भाग चुका है, आप लोग लेट हो चुके हो, तो अभी इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने पहले से खरीद के रखा था उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखो प्रॉफिट में तो आप लोग एक्सेस प्रॉफिट में पहले से चल रहे हो, बिकॉज हम लोग का टारगेट अराउंड था 138 रुपीज के पास, बट आप लोग वैसे ही अबव साइड चल रहे हो। तो आपको कहाँ बुकिंग करनी चाहिए, आपको अराउंड 140 रुपीज के आसपास बुकिंग कर लेनी चाहिए इसकी टारगेट की। ठीक, तो फिर भी आप लोग हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, हाफ क्वांटिटी आप लोग रखे रहिए। अब बात करते हैं जो बची हुई क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 138 या 139 रुपीज तक का रख सकते हैं, बट जो रिस्क टेकर्स हैं उनके हिसाब से 130 तक का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बिकॉज यहाँ से अगर ये एक बार डाउन साइड ब्रेकडाउन देने रिट्रेसमेंट करने आता है, उसके बाद बड़ा मोमेंटम रैली दिखा सकता है अपसाइड हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, प्लस पॉइंट हम लोग का ये ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड की रैली ही देखने वाले को मिलने वाली है हम लोग मनापुरम में। ठीक, तो इसी वजह से मैंने आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ हाफ क्वांटिटी रख लीजिए, हाफ क्वांटिटी आप लोग बुक कर सकते हो यहाँ पर। तो आई होप आप लोग को जो मैंने समझाने की कोशिश करी समझ में आया होगा। सो टिल देन शो सम लव टू आवर चैनल, कमेंट बॉक्स में कमेंट भर करिए भर भर के, जो समझ में ना आया वो पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे सब पहली बार आए सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको अगला वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सी यू गाइस, सी यू सून गाइस, टिल देन स्टे लर्निंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।